नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। इस वक्त हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम मौजूद है शगुनी पंचायत में मुख्य प्रतिनिधि के पास। आइए जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य लेकर मुख्य प्रत्याशी का चुनाव लड़े और अपना विजय प्राप्त किए हैं और इनके पंचायत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, इसी पे चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। सबसे पहले चैनल का स्वागत है सर, अपना परिचय दीजिए। मैं शगुनी पंचायत की मुख्य प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रसाद शाह बोल रहा हूँ। अपने शगुनी पंचायत की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपने शगुनी पंचायत के सभी कार्यों में विकास करने के लिए तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा और विकास करूँगा। सर, सामाजिक सेवा में कब से लगे हैं? 10 साल पहले से ही हम लगे हुए हैं। सभी जनता की सेवा में, दुख सुख में हम हमेशा हाजिर रहते हैं। सभी का जो भी जहाँ से भी हमको निमंत्रण आता है वहाँ दम मौजूद रहते हैं और सभी को मैंने दुख सुख में अपना सहयोग करते हैं उनको। सर, ऐसा कौन सा रीजन आ गया कि पॉलिटिक्स में आपको आना पड़ा? पहले वार्ड सदस्य जनता हमको बनाया, उसके बाद में लोग कहा कि आप मुखिया से लड़िए और जनता की सेवा कीजिए, तो उस पर हमको भी थोड़ा सा मन हो गया। हम अपना पूरा अपना जोर लगा करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे और विकास करूंगा। कितनी मतों से विजय प्राप्त हुई सर? 310 मतों से विजय प्राप्त हुई। हमको मत आया था 1671 और 310 से विजय घोषित हुए। पूरे कितने मतों की संख्या इस पंचायत में? लगभग 7000 लगभग है। कितने गांव के एक पंचायत है? लगभग 13 वार्ड है, 10 गाँव है सर। 13 वार्डों में नल जल की क्या व्यवस्था है? नल जल में 8 नंबर में अभी नहीं चल रहा है और कहीं कहीं अभी दूरी के वजह से वहाँ पानी नहीं चहुँप रहा है। जैसे कि प्रताप छपरा में नल जल का अथी लगा हुआ है और वहाँ से लालापुर में अभी पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और सुनहो में तीतरा वार्ड से भी वहाँ दूरी की वजह से वहाँ भी नहीं चल रहा है और तीतरा में अभी टोली जो उठा है 2 नंबर वहाँ भी पानी की सुविधा नहीं हुआ है। अति बेदोलिया नल जल की वहाँ बहुत दिक्कत है, चलबे नहीं किया है अभी तक मैंने वहाँ। शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था इस पंचायत में? अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र अभी कहीं नहीं चल रहा है हमारे पंचायत में।